अपने विशाल आयामों के साथ ब्रह्मांड हमारी सांसारिक कल्पनाओं से कहीं अधिक बड़ा है। वर्तमान टेक्नोलॉजी से हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या मौजूद हो सकता है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए तथ्य ये है कि कुछ वैज्ञानिकों को एक एलियन दुनिया से सिग्नल मिल रहे हैं जो कि बहुत सनसनीखेज है। इस खगोलीय खोज के पीछे वास्तव में क्या छिपा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा हम एलियंस को मानव जाति के अस्तित्व के बारे में अवगत कराने के लिए अतीत में मनुष्यों द्वारा किए गए प्रयासों की भी जांच करेंगे। आकाशगंगाओं से जुड़ी ये यात्रा आपको जरूर पसंद आएगी। ताबूटी स्टार सिस्टम की खोज। हाल के दिनों में खगोल विज्ञान की दुनिया की एक घोषणा ने विशेषज्ञों की श्रेणी में बड़ी सुर्खियां बटोरी। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे एक दूर के ग्रह से रेडियो उत्सर्जन प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर एक तारे के चारों ओर अपना ऑर्बिट बना रहा है। अपने अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड में स्थित अत्याधुनिक रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया। वैज्ञानिकों की जांच का विषय तीन अलग अलग तारे थे जिन पर वैज्ञानिकों को पहले से ही संदेह था कि वे कुछ ग्रहों के लिए हमारे सूर्य की तरह एक निश्चित केंद्रीय बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। इन तीन सितारों के सिस्टम में से एक में विशेषज्ञों की विशेष रुचि हुई। बोर्ड्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित इस सिस्टम और ताबूटी तारे ने इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि इसमें वास्तव में एक ग्रह है। वैज्ञानिक इस बात की बहुत ज्यादा संभावना मानते हैं कि अपने शोध में उन्होंने जो रेडियो सिग्नल दर्ज किए हैं वे ठीक उसी दूर के ग्रह से उत्पन्न हुए हैं। यह देखा गया है कि वास्तविक मेजर वैल्यू सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के साथ बहुत मजबूती से कोरिलेट करती हैं जिन पर विशेषज्ञों ने पहले से काम किया है। लेकिन कुछ ही समय बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जेक टर्नर ने इस सनसनीखेज खोज के बारे में बढ़ते उत्साह को संदेह के चलते सीमित कर दिया, जिसका उन्होंने खुलासा किया था। शोध में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि वैज्ञानिक वर्तमान में 100% सटीकता के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मिले संकेत वास्तव में देखे गए स्टार सिस्टम के प्लेनेट द्वारा उत्सर्जित होते हैं या नहीं। उनके अनुसार इसलिए ये आवश्यक है कि स्टार सिस्टम और ताबूटीज बी नामक ग्रह का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाए। हालिया परियोजनाओं की तैयारी। हमारे घर पृथ्वी से लगभग 51 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित इस तारामंडल की खोज के लिए तैयारी करने के लिए खगोल वैज्ञानिकों ने एक सरल तरकीब का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले बृहस्पति ग्रह के रेडियो उत्सर्जन की जांच की और फिर मिले मेजरमेंट रिजल्ट्स और वैल्यूज को इस तरह से मॉडिफाइड किया गया कि उन्हें एक दूर के स्थिर तारे के साथ दूर के प्लेनेट में स्थानांतरित किया जा सके। तब उन स्थानांतरित परिणामों की तुलना ताबूटीज बी की जांच के दौरान विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त वैल्यूज से की गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लेनेट से प्राप्त रेडियो उत्सर्जन खगोलीय रिसर्च के इतिहास में एक प्लेनेट का एकमात्र प्रमाणिक रेडियो सिग्नल नहीं हो सकता। इसलिए विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि वे स्टार एप्सिलॉन एंड्रोमेडे या उसके प्लेनेट से सिग्नल प्राप्त कर रहे थे। हालांकि बृहस्पति ग्रह से प्राप्त रीडिंग्स ताबूटीज बी के मामले की तुलना में और भी कमजोर और अधिक अस्पष्ट थीं। वैज्ञानिक अभी भी इस घटना की और ज्यादा डिटेल में जांच करने से पहले कुछ समय के लिए सावधानी बरत रहे हैं। रेडियो वेव्स का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे में एक सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इन अजीब से ग्रहों की रेडियो वेव्स की जांच क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की मेजर्ड वैल्यूज वैज्ञानिकों को एक प्लेनेट की संरचनात्मक स्थिति और उनके पर्यावरण की एक सटीक तस्वीर खींचने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए रेडियो वेव्स का अध्ययन एक भूमिका निभाता है जिससे एक प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद मिलती है। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का प्लेनेट की मौजूदा परिस्थितियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारे वायुमंडल की रक्षा करने का काम करती है, जिसके बिना हम जानते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि आधुनिक विज्ञान के लिए दूर के प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना अभी भी काफी मुश्किल है। इसी कारण से रेडियो उत्सर्जन का अध्ययन करने पर शोधकर्ताओं का विशेष ध्यान है जो उन्हें प्रकृति और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए एक स्पेसिफिक पुल का निर्माण करने की अनुमति देगा। शायद इसमें कुछ समय लगेगा जब विशेषज्ञ निश्चित रूप से कह पाएंगे कि रेडियो सिग्नल वास्तव में कहां से आते हैं।
हालांकि यह थ्योरी के कलेक्ट किया गया डेटा वास्तव में टाउ बूटिस बी से ओरिजिनेट होता है, और यदि ये सच साबित होता है तो ये एक खगोलीय बिग बैंग के समान होगा, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने किसी प्लेनेट से रेडियो उत्सर्जन को रिकॉर्ड करने में सफलता प्राप्त नहीं की है। हम सभी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि निरंतर जांच का परिणाम भविष्य में क्या लाएगा। आज हम जानते हैं कि एलियन प्लेनेट्स के किन सिग्नल्स को हम संभवतः पृथ्वी पर कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम उन प्रयासों को देखेंगे जो मानव जाति के प्रतिनिधियों ने ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में संभावित जीवन रूपों को मानव जाति के अस्तित्व के बारे में जागरूक बनाने के लिए पहले ही किए हैं। द अरेसिबो मैसेज। यह 16 नवंबर 1974 की बात है जब खगोल वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक की देखरेख में कुछ वैज्ञानिकों ने एक सिग्नल लॉन्च किया जो आज भी एक अनूठा प्रयास है। तथा कथित अरेसिबो मैसेज का नाम इसके स्टार्टिंग पॉइंट की लोकेशन के नाम पर रखा गया। प्यूर्टो रिको में अरेसिबो वेधशाला के विशेषज्ञों ने ब्रह्मांड में संभावित एलियन लाइफ के लिए एक स्थलीय संदेश प्रसारित करने का संभावित मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। रेडियो वेव्स का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ एलियंस को मानवता के जीवन के तरीके और बैकग्राउंड के साथ साथ पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे। गोलाकार क्लस्टर M31 जो कि हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और हमारे ग्रह पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, को टारगेट पॉइंट के रूप में चुना गया था, क्योंकि इस विशाल गोलाकार समूह के भीतर 3 लाख से अधिक अलग अलग तारे हैं। इसलिए उस समय के वैज्ञानिकों ने इस तरह की घनी आबादी वाले स्थान के बीच बसे एक प्लेनेट को खोजने की आशा की थी और एक मैसेज अंतरिक्ष में भेजा था। इस मैसेज में विभिन्न बाइनरी कोड होते हैं और इसमें कुल 1679 बिट्स होते हैं। हालांकि ट्रांसमिशन के इस मेथड के लिए मैसेज रिसीव करने वाले को मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार शायद एलियंस पृथ्वी द्वारा भेजे गए मैसेज को पहली नजर में नहीं समझ पाएंगे। इस मैसेज में मिलने वाले कोड को उसके प्रमुख फैक्टर्स में तोड़ना होगा और फिर इसे तस्वीर के रूप में पुनर्व्यवस्थित करना होगा। लेकिन मानवता के बारे में हमारे ज्ञान की स्थिति और हमारे ग्रह के बारे में क्या जानकारी विशेषज्ञों ने चुनी। द कॉन्टेंट ऑफ अरेसिबो मैसेज। अरेसिबो मैसेज का पहला पैराग्राफ हमारे लिए 1 से 10 तक सामान्य ज्ञान की संख्या है। इस प्रकार अलग अलग रंग के वर्गों की मदद से एलियंस को सिंपलेस्ट न्यूमेरिक सीक्वेंस के बुनियादी नियम सिखाए जाने थे। इस अनूठे मैसेज का अगला भाग केमिकल एलिमेंट से संबंधित है। इस प्रकार नंबर सीक्वेंस 1678 15 केमिकल मटेरियल हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ साथ फॉस्फोरस के लिए दर्शाया गया है। इस जानकारी को बताने का आधार ये था कि ऊपर बताए गए एलिमेंट्स हमारे प्लेनेटरी बायोकेमिस्ट्री और उन मटेरियल्स का भी वर्णन करते हैं जो मानव डीएनए बनाते हैं, जबकि नीचे लिखे पैराग्राफ में न्यूक्लियोटाइड्स या दूसरे शब्दों में हमारे डीएनए के विस्तृत निर्माण खंड हैं। चौथा पैराग्राफ हमारे जेनेटिक मटेरियल्स की संरचना से संबंधित है। इस प्रकार अरेसिबो मैसेज के पहले पैराग्राफ ने हमारी स्पीशीज की जैव रासायनिक प्रकृति की एक व्यापक पहली छाप प्रदान की, और नीचे लिखे पैसेज ने मानव शरीर रचना के लिए एक धनुष बनाया। यह एक व्यस्क व्यक्ति के औसत आकार को खुरदुरे रेखा चित्रों में व्यक्त किया गया है। इसके अलावा इससे संबंधित सेक्शन में विश्व की कुल जनसंख्या के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद एलियंस हमारे सौरमंडल के एक डायग्राम को देख सकते हैं जो अलग अलग ग्रहों के साथ साथ सूर्य उनके अनुमानित आकार के संबंध और दूरियों का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में शोधकर्ताओं ने अरेसिबो वेधशाला और इसके टेक्निकल उपकरण के बारे में कुछ जानकारी प्रकट करने का निर्णय लिया। प्रतिक्रियाएं और आलोचना। हालांकि खगोलविदों ने अपने असाधारण उपक्रम में बड़ी उम्मीदें रखी, लेकिन हमें आज तक अपने टेरेस्ट्रियल मैसेज का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञों ने स्टेटमेंट दी है कि वैज्ञानिकों का प्रयास शुरू से ही विफल रहा है, भले ही संदेश एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। विशेषज्ञों ने अरेसिबो मैसेज के समझने योग्य होने की आलोचना की है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों के लिए मैथमेटिकल प्रक्रियाओं के इस तरह के मैसेज को डिकोड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अरेसिबो मैसेज को उसकी संपूर्णता में रिसीव होना चाहिए। यदि यात्रा के दौरान हमारे अरेसिबो मैसेज के कुछ अंश खो जाते हैं
तो ब्रह्मांड के लिए मानवता की पुकार समझने योग्य नहीं रहेगी। अरेसिबो मैसेज की आलोचना के अलावा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को संबोधित इस मैसेज के कंटेंट के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए आवाजें भी उठाई गईं। अगर हमारी स्पीशीज और हमारे प्लेनेट के बारे में व्यापक जानकारी किन्हीं दुष्ट एलियन सभ्यता के हाथों में पड़ जाती है, तो एलियंस के लिए हमारी कमजोरी की पहचान करना और पृथ्वी पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।